उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है, साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल से चार धाम यात्रा में 46,27,000 श्रद्धालु आ रहे थे। इसकी तुलना में इस साल अभी तक 46,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा को पूरा होने में 2 महीने के करीब समय शेष बचा है। वहीं इस वर्ष चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने से 5 अक्टूबर तक यमुनोत्री धाम में 6,73,000, यमुनोत्री धाम में 8,16,000, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ में 14,57,000 और हेमकुंड साहिब में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे, और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है पार हो गया है और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान हम सब पर बनी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है क्योंकि तीसरी सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी तेज़ी से उत्तराखंड अब आगे बढ़ा।